स्वागत है आपका एस्टूडियो के विशेष कार्यक्रम में। आज हम मना रहे हैं नए साल को लेकर, लोगों से जानेंगे उनकी राय और उनकी उम्मीदें। अलविदा 2018 कार्यक्रम को लेकर हम पेश हुए हैं हमीरपुर के गांधी चौक पर। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, आइए जानते हैं उनसे कि 2018 उनके लिए कैसा रहा और नए साल से क्या उम्मीदें हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम हर्षित है। हर्षित, हमें बताएंगे कि 2018 खत्म हो रहा है आज, कैसा रहा आपका 2018? बहुत अच्छा। क्या क्या किया 2018 में? मस्ती, बहुत कुछ। नया साल आ रहा है, कल से 2019 शुरू हो रहा है, तो 19 से क्या उम्मीदें हैं, क्या करेंगे उसमें? हम पढ़ाई में अच्छा करने की कोशिश करेंगे और मस्ती वगैरह। ओके, आपका नाम क्या है? माय नेम इज आर्यन राणा। आर्यन, हमें बताएंगे 2018 में आपने क्या क्या किया और कौन सी यादगार थी आपके लिए? टीवी देखा, घूमा, ज्वाल जी गया, घूमने गया बहुत जगह। 19 में क्या है, 19 में क्या इरादा रखा है कि 19 में ये करूँगा? बहुत पढ़ूंगा और बहुत पढ़ूंगा और बड़ा आदमी बनूंगा। ओके, आपका नाम क्या है? अमन। अमन, आप बताएंगे 19 जा रहा है, 19 में क्या क्या किया आपने जो आपके लिए हमेशा याद रहेगा? मस्ती और पढ़ाई। पढ़ाई को लेके आपने बात की, तो पढ़ाई के लिए 19 में क्या इरादा है कि पढ़ाई में 18 से बेहतर स्टडी करेंगे, क्या उम्मीदें हैं आपकी? ज़्यादा करूँगा। अभी कौन सी क्लास में हैं आप? 8th। 8th में हैं, तो एग्ज़ाम को लेकर कैसी तैयारी चल रही है? एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी, हिंदी का है कल। फिर कैसी तैयारी हो रही है? अच्छी। तो नया साल कैसे मनाएंगे? अच्छा ही। थैंक यू, आपने बात की। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जो यहाँ पे गांधी चौक पे इकट्ठे हुए हैं, आइए उनसे भी जानते हैं कि वो न्यू ईयर इस बार कैसे मनाएंगे। सर, आपका स्टूडियो में स्वागत है। आप बताएंगे कि आज 31 दिसंबर है, 2018 खत्म हो रहा है, 19 आ रहा है, पहले तो आप बताइए कि 2018 आपका कैसा रहा? वेरी नाइस, वी आर न्यू हियर, वी गॉट जॉब इन NIT हमीरपुर, सो वी जस्ट अराइव्ड हियर, सो फॉर अस इट्स वेरी नाइस। तो नए साल से क्या उम्मीदें हैं कि नया साल कैसे मनाएंगे? बिकॉज़ इट्स अ न्यू प्लेस, वी डोंट नो मेनी थिंग्स हियर, बट वी विल डू समथिंग इन आवर सेंटर। ओके सर, थैंक यू। हमारे साथ कुछ एडवोकेट सुशील शर्मा जी हैं, आइए उनसे जानते हैं कि अलविदा 2018 के लिए क्या कहेंगे। सर, 2018 जा रहा है, आज 31 दिसंबर है, क्या कहना चाहेंगे कि 2018 में क्या ऐसी यादें छोड़ रहा है वो? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ नववर्ष की, और आपके जो दर्शक हैं उनको भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। जो बीत गया वो भी अच्छा था, और जो आ रहा है उसकी भी हम अच्छे की उम्मीद करते हैं, बढ़िया ही होगा जो होगा। ऐसा कुछ उम्मीद जो आप 19 में करना चाहते हैं, आपने एम रखा होगा कि 19 में कुछ स्पेशल करेंगे? स्पेशल तो मैं ये बताऊं कि स्पेशल अपने लिए क्या सोचेंगे, स्पेशल ये है कि हमारे देश तरक्की करे, हमारा जो स्टेट है वो तरक्की करे, बस यही सोचते हैं। हमीरपुर भी तरक्की करे और अच्छा हो, हमारे हमीरपुर में जो कुछ भी हो रहा है और जो होने को है वो शीघ्र हो, और मैं चाहता हूँ कि हमीरपुर में जो थोड़ा सा विकास की गति है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा बल मिले और ज़्यादा विकास हो हमीरपुर में, यही चाहते हैं हम। कुछ ऐसे पल 2018 के जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? 2018 में विशेष तो मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन 2018 में एक बार पुनः शुरुआत की है, हमीर उत्सव की शुरुआत की है जिला प्रशासन द्वारा, और प्रशासनिक फेरबदल कुछ ज़्यादा हुआ है हमीरपुर में, तो मैं समझता हूँ कि अगर प्रशासनिक ठहराव रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और अगर प्रशासन में जो लोग हैं बैठे हुए वो भी थोड़ा सा काम में थोड़ा सा जैसे दिखता है कि थोड़ा सा कम हो रहा है, प्रशासनिक अमला जो है चुस्त दुरुस्त नहीं रह गया हमीरपुर में, तो उनसे उम्मीद रखते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा चुस्त हो जाए। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने संदेश दे दिया है, सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ओके शर्मा जी, आप बताएंगे कि पिछले साल जो है वो हिमाचल की राजनीति में काफ़ी फेरबदल हुआ है, 19 में क्या उम्मीदें हैं आप? देखिए, 2018 जो था हमीरपुर के लिए एक राजनीतिक सदमा लेके आया था,
हमीरपुर के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा झटका था, जिससे विकास कार्यों पे भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमीरपुर को। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से नहीं होना चाहिए था, चलो हुआ, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि 2019 में कोई ऐसी राजनीतिक शख्सियत उभर कर सामने आए जो हमीरपुर के विकास को जो है नई गति दे, नई दिशा दे, क्योंकि हमीरपुर एक किस्म का, हमीरपुर के लोगों को विकास का जो था वो एक स्वाद जो था लग गया था जीभ में। तो उस अब देखने में आया कुछ, क्योंकि सरकारें बदलती हैं, कोई प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, अगर हमीरपुर जैसे इससे कोई बड़ा नेता नहीं रह गया तो उससे प्राथमिकताएं भी बदली हैं, तो नज़रिया भी बदलता है सरकारों का। तो मैं समझता हूं कि थोड़ा सा ये चाहता हूं कि हमीरपुर से भी कोई ऐसी शख्सियत उभरे जो हमीरपुर को नई दिशा दे। थैंक यू सर, आपने हमसे बात, हमारे साथ विकास जी हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं कि न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट करेंगे सर। सर प्रथम तो मैं हमीरपुर के इस ऐतिहासिक गांधी चौक से आपके चैनल के माध्यम से सभी जिला प्रदेशवासियों को नववर्ष 2019 की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और मैं यही आशा करता हूं कि नववर्ष सबके लिए मंगलमय हो और खुशियों भरा आए। क्या उम्मीदें हैं 2019 से? 2019 से हमें यही है कि जिस तरह देश धीरे धीरे तरक्की कर रहा है और तरक्की करे, एम्प्लॉयमेंट के साधन और ज़्यादा आएँ और युवा नशे से दूर रहें और हमारा देश खुशहाल हो। जैसे कि आप सबको पता है कि हिमाचल प्रदेश वैसे ही भाईचारे का प्रतीक है, और ये और हम यही चाहते हैं कि हमारा हिमाचल वैसे ही जाना जाए कि भाईचारे के लिए। कुछ ऐसी उम्मीदें होती हैं, जैसे नया साल आता है, लोग मानते हैं कि नए साल में अगर पहले दिन में जैसे कुछ काम किया जाता है तो बोलते हैं कि पूरे साल वही काम होता है, क्या मानते हैं आप कि ऐसा होता है कुछ? ये तो लोगों की अपनी अपनी धारणाएं, सब अपने अपने तरीके से सोचते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं मानता हूँ। हर दिन नया सबके लिए होता है, जो भी आप सुबह काम करते हैं वो आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है। तो कुछ लोगों का मानना है कि अगर 2019 के नए दिन के लिए नई शुरुआत करेंगे तो वो हर पूरा वर्ष आपके लिए सही होगा, पर मैं तो यही मानता हूँ कि हर दिन आपके लिए सही है। 18 में कुछ ऐसी यादगार पल हों जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें? वैसे तो बहुत सारी यादें हैं 2018 की, लेकिन जैसे अभी भाई बता रहे थे कि 2018 का दो तीन वर्षों के बाद हमारे यहाँ पे हमीर उत्सव शुरू हुआ है, तो हमें बहुत खुशी हुई कि प्रशासन द्वारा ये स्टेप लिया गया कि 2000 हमारे हमीरपुर की पहचान है हमीर उत्सव, वो शुरू हुआ है। तो हम यही आशा करते हैं कि इसको कंटिन्यू हो और हमारे यहाँ पे हमीरपुर का प्रशासन भी इसके ऊपर बाकी सारी चीज़ों के ऊपर वो अपना देख रेख ठीक सही ढंग से करे, और मेरी सबके लिए यही शुभकामना है। थैंक यू विकास जी, आपने हमने बात की, हमारे साथ विशाल जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर बताएंगे 2018 कैसा रहा आपका? 2018 व्यक्तिगत रूप से तो मेरे लिए ठीक ही रहा, जिस प्रकार जितनी उम्मीदें थी इस साल से उतनी उम्मीदों पे शायद हम ठीक उतरे हैं, और आशा करते हैं कि 2019 भी ठीक रहेगा। 19 क्या उम्मीदें लेके आ रहा है आपके लिए, कुछ स्पेशल जो करना चाहें 19 में? देखिए हर साल जो है एक नई संभावनाएं लेके आता है अपने साथ, हमें इंस्पायर करता है कि कोई भी चीज़ जो है वो एकदम स्थिर नहीं है, चेंज इज़ द लॉ ऑफ द नेचर, और हमें नए काम करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। और मेरी यही आशा रहेगी कि इस साल में जो शायद जो कुछ एक दो वेंचर्स जो हमने शुरू किए हैं उनको हम और तरक्की पर लेके जाएँ, वो हमारी और ही कोशिश रहेगी। कैसे मना रहे हैं न्यू ईयर? न्यू ईयर का ऐसा कोई प्लान नहीं है, बट फिर भी दोस्त इकट्ठे होंगे, देखते हैं क्या बनता है, अभी टाइम है, अभी देखते हैं। सर न्यू ईयर कुछ युवा की बात करें तो वो सेलिब्रेट करते हैं, ड्रिंक करते हैं, पार्टी होती है, कितना मानते हैं कि कितना सही है ये? देखिए ये हर एक व्यक्ति का अपना अपना तरीका है कि वो किस तरह से मनाना चाहता है, जबकि ये मेरा मानना है कि कोई भी चीज़ जो आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है वो चीज़ लोगों को करनी चाहिए। और मेरे खासकर नए युवाओं के साथ मेरी ओर से एक अपील रहेगी कि वो ड्रिंक और ड्राइव करते हैं बहुत ज़्यादा, और हमने कई बार नोट किया है कि नए साल की रात को कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो सभी युवाओं से हमारा ये रहेगा कि नया साल मनाएं, अच्छे से मनाएं, और उसको कहते एक प्रेरणा लेकर इस अगले साल में प्रवेश करें। विशाल जी बताएंगे कि हिमाचल की राजनीति में 2018 जो है वो काफी असर छोड़ के गया है, 19 में क्या उम्मीदें हैं राजनीति को लेकर? देखिए 2019 जो है भारतवर्ष में इलेक्शन का साल आने वाला है, और इलेक्शन के साल में लोगों को हमेशा उम्मीदें ज्यादा रहती हैं,
खासकर जहाँ तक हमीरपुर की बात है कि जैसा देखा गया है कि पिछला साल जो है सच में ही हमीरपुर के लिए एक राजनीतिक सदमा था। लोगों को उम्मीद थी कि इस जिले से मुख्यमंत्री चुन के जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे कारण रहे हैं जिन कारणों से लोग यहाँ पे आज की डेट में भी थोड़ा सा राजनीतिक रूप से जो हमीरपुर जिला पिछड़ा हुआ है आज की डेट में, उनका जितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में, उस तरह सा प्रतिनिधित्व मिल नहीं रहा है। तो लोगों को थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा घुटन तो महसूस हो रही है, ये बात हमें माननी चाहिए। लेकिन जब जैसे 2019 की बात है तो 2019 में हम यही चाहेंगे कि जिले का जो राजनीतिक रूप से खोया हुआ कद है वो मिले। अब जैसे 2018 में हम बात करते हैं, हमीरपुर में ऐसा नहीं कि काम नहीं हुए, हमीरपुर जैसे मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की गई है, अब जैसे रेलवे लाइन की जैसे बात चली हुई है, तो लोगों को उम्मीद करनी चाहिए कि हमारा जिला 2019 में जो जैसा कि राजनीतिक लोग जो हैं, लोगों ने बार बार ये मुद्दा उठाया है कि रेलवे से जोड़ा जाए, तो हम उम्मीद करेंगे कि रेलवे का कुछ ना कुछ काम हमीरपुर के लिए हो। जैसे हमीरपुर अब जैसे छोटा, इसको हम जैसे मिनी कोटा कहा जाता है हमीरपुर को, यानी हमारी सरकार से तो ये मांग रहेगी कि सरकार यहाँ पर एक एजुकेशन नगर बनाए। जैसे हम देखते हैं कि हमारे बच्चे कोटा जाते हैं अपने, या देहरादून जाते हैं या चंडीगढ़ जाते हैं, तो हम क्यों ना हमीरपुर को एक कोटा और देहरादून की तरह इसको एजुकेशन हब के रूप में विकसित करें। तो हमारी उम्मीद रहेगी कि सरकार जो भी हो लेकिन हमीरपुर के बारे में सोचें, क्योंकि छोटा सा जिला है, प्रोग्रेसिव जिला है, लिटरेसी रेट में नंबर वन है, रोड डेंसिटी में एशिया का नंबर वन जिला है। तो यानी जिस तरह से प्रोग्रेसिव नेचर के यहाँ के लोग हैं, तो हम ये चाहते हैं कि सरकार भी इस प्रोग्रेस में हमीरपुर का साथ दे। हमारे साथ डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जी आइए उनसे जानते हैं। सर, अलविदा 2018 कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप बताएंगे कि 2018 जा रहा है, 19 आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं 19 से? अलविदा 2018 के साथ हम एक चिकित्सक होने के नाते हम चाहते हैं कि इस हमारे समाज से जो नशे का जो जहर जो फैल रहा है उसको भी हम अलविदा कहें और नए साल में हमारी नौजवान पीढ़ी जो है वो नशे से दूर रहे। ये हमारी एक दिली इच्छा भी है और हम चाहते हैं कि हमारा जो नौजवान है, जो कल का भारत है, हमारा युवा, वो सशक्त बने और स्वस्थ रहे और नशे से दूर रहे। 18 में कुछ यादें सर जो हमारे साथ साझा करना चाहते हैं आप? यादें तो बहुत सारी होती हैं, अब इसमें साझा करने वाली तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि जो हम पिछले साल भी हमने अपने व्यक्तिगत तौर पे भी, मैं खुद भी नशे के खिलाफ जितना भी मैं काम करता रहा और स्वास्थ्य के लिए जो जागरूकता मैं फैलाता रहा पूरे समाज के अंदर, मैं वही चीज़ जो है वो कंटिन्यू करूँ आगे 2019 में भी। अगर कहीं कोई कमी पेशी रह गई हो तो हम उसको सुधार करना चाहेंगे, उसको और बढ़िया तरीके से। कुछ युवाओं की बात करें सर, तो युवा जो हैं वो 31st नाइट को जो है वो न्यू ईयर मनाते हैं तो ड्रिंक करते हैं और नाच गा के जो है वो मनाते हैं, इसमें काफ़ी नुकसान भी होता है, कई बार लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तो कितना सही मानते हैं कि इस तरह से न्यू ईयर मनाना चाहिए? देखिए, नव वर्ष है तो नेचुरली सेलिब्रेशंस तो इसकी होती हैं और समय के साथ जो सेलिब्रेशंस के जो तरीके हैं वो नेचुरली बदले हैं और इनको हमें थोड़ा अपनाना भी पड़ेगा। लेकिन हाँ, किसी भी चीज़ की जो अधिकता होती है वो अच्छी नहीं होती, तो वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेलिब्रेशन करें लेकिन एक नियंत्रण में करें, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखें ताकि हम एक सही मिसाल जो है वो इस समाज में पैदा कर सकें। शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। क्या नाम है आपका? मंजू नाम है मेरा। मैम, आप हमें बताएंगी कि आपका 2018 कैसा रहा? मैम, मैं खासकर ये बोलना चाहूँगी कि हमारा 2018 जो ईयर था बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा और आगे भी होप्स हो, आगे भी इससे ज़्यादा अच्छा हो। जी, आपने क्या अर्न किया 2018 में? 2018 में अभी तो स्पेशली कुछ याद नहीं आ रहा, पर इतना बोल सकते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल ईयर रहा मेरे लिए, तो आगे मैं यही होप करूँगी कि इससे भी ज़्यादा अच्छा निकले 2019। और आपके इस चैनल को, पूरे हमीरपुर वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को, पूरे देश वासियों को मैं अपनी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएँ देती हूँ। थैंक यू मैम। मैम, आप 2019 किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हो? अभी तो इतना तो कुछ सोचा नहीं है, बट इतना मैं बोल सकती हूँ कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे ये है कि मतलब हमारा इन्वायरमेंट स्वच्छ रहे। हम कुछ अपने युवाओं को कुछ ऐसा मैसेज देना चाहूँगी जिससे कि हमारे जो युवा लोग हैं वो नशे से दूर रहे, आगे से आगे अपना तरक्की करें, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच मैम। हेलो। हेलो, क्या नाम है आपका? साई। साहिल, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? फिफ्थ। फिफ्थ में पढ़ते हो। 2018 कैसा रहा आपका?
बहुत अच्छा रहा, बहुत मजे किए। बहुत मजे किए। अच्छा कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? डीएवी। डीएवी है, बहुत अच्छा स्कूल है वो। 2000 में क्या प्लानिंग है आपकी, किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हो आप? बर्थडे। अच्छा आपका बर्थडे भी है कल, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। थैंक यू। किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हो आप फिर? मैं अपने स्कूल और ट्यूशन में वो स्वीट्स दूंगा और बाजार में घूमूंगा, बाजार में घूम कपड़े वगैरह लूंगा। ओके आप फैमिली के साथ सेलिब्रेट नहीं करोगे? फैमिली के साथ ही करूंगा साथ। ओके वेरी गुड, थैंक यू। हेलो क्या नाम है आपका? विशेष। विशेष कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? फिफ्थ में। अच्छा कौन से स्कूल में पढ़ते हो? डीएवी पब्लिक स्कूल। डीएवी पब्लिक स्कूल। आपका 2018 कैसा रहा? बहुत मज़े किए। वेरी गुड। और 2019 जो है वो आप किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हो? भाई मैं तो अपने लिए नए नए क्लोथ्स लूँगा ना और मिठाइयाँ लूँगा। हेलो क्या नाम है आपका? विशाल शर्मा। विशाल शर्मा सर आप 2018 कैसा रहा आपके लिए? बहुत अच्छा रहा, कई दोस्त मिले नए, कई ऐसे हुआ। करते क्या हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ चंडीगढ़ में। ओके चंडीगढ़ में। अब मतलब 2000 जा रहा है, 2018 जो है वो जा रहा है, तो मतलब आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? लोगों को ये मैसेज मतलब अपनी ज़िंदगी से खुश रहें हमेशा, जैसे उतार चढ़ाव आए उनको फेस करें, ऐसा वैसा कुछ भी। ओके 2019 किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? 19 तो फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करेंगे सारा, एक तरीके न्यू ईयर पार्टी होगी ऐसा ऐसा। थैंक यू सर। हैप्पी न्यू ईयर। 2018 आपके लिए कैसा रहा? ठीक रहा, मिक्स। हाँ जी। कोई मैसेज जो आप देना चाहते हो? मैसेज ये है कि खुश रहें और औरों में भी खुशियाँ बांटें। 2019 किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हो आप? फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके। हेलो सर। हेलो मैम। क्या नाम है आपका? रोहित पटियाल। क्या करते हैं आप? मैम आई एम अ पीडब्ल्यूडी कोविड कॉन्ट्रैक्टर इन मध्य प्रदेश हमीरपुर डिवीज़न। ओके सर आपका 2018 कैसा रहा? नॉट सो मच गुड। ओके आई होप सो 2019 इज वेल, अच्छा आएगा मेरे लिए, आई थिंक सो। 2018 जा रहा है तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? ऑफकोर्स देना चाहूँगा मैम, अब जा रहा है तो ऑफकोर्स देना चाहूँगा कि मतलब जो भी किसी ने अच्छे काम, किसी के काम अधूरे रहे उनको पूरा कीजिए और अपना वेल फ्यूचर देखिए और अपना फ्यूचर के बारे में जो भी है आगे आप उसके बारे में सोचिए और जो भी छूट गया पीछे 2018 में उसको छोड़िए और नेक्स्ट की तरफ देखिए, ध्यान दीजिए आप लाइफ में। और क्या बोल सकते हैं सर? जो भी आपने लाइफ में कुछ मिस्टेक्स की उनको थोड़ा रियलाइज कीजिए और थोड़ा उनके ऊपर थोड़ा फोकस कीजिए, नेक्स्ट टाइम यू विल केयरफुल अबाउट इट। 2019 किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? एक्चुअली अभी तो दोस्तों के साथ पार्टी पुटी का प्लान है रात को। 2018 जैसे ही खत्म होता है इसका मतलब वेलकम करेंगे आप अपने तरीके से दोस्तों के साथ, थोड़ा आतिशबाजी वगैरह करके सारे दोस्त इकट्ठे होकर थोड़ा पार्टी वार्टी बॉन फायर वगैरह करके इन्जॉय करेंगे। किस तरह की पार्टी सर? यू नो मैम यू नो वॉइस पार्टी, वॉइस पार्टी लाइक अ फन डीजे शीजे पार्टी, डांस वांस एंड ऑल दैट। ओके थैंक यू सर। ओके मैम। सर आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ वैसे। कहाँ पे? गुड़गांव। अच्छा सर आपका 2018 कैसा रहा? बहुत गंदा रहा मेरा वैसे। कुछ अर्न किया? बहुत ही वो तो मैं पर्सनल फीलिंग बता नहीं सकता वैसे, मेरे बड़ा गंदा रहा, जैसे मेरा नहीं रहा, मैंने नेचुरली दूसरों का भी देखा, मैक्सिमम लोगों का इस 2018 सबसे गंदा रहा। ओके सर कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? मैसेज दे देता हूँ भाई, फ्रेंड्स ऑल फ्रेंड्स एंड। तो आपने देखा कि हमारे साथ कुछ लोगों ने बात की, उन्होंने मिला जुला असर जो है वह 18 का बताया, कुछ ने अच्छा बताया तो कुछ लोगों ने ख़राब भी बताया। वहीं लोगों ने जो है 2019 का जो है वो खुले दिल से स्वागत किया है। वहीं एस टुडे की पूरे परिवार की तरफ से, हमारी तरफ से भी दर्शकों को 2019 की हार्दिक शुभकामनाएँ। नमस्कार।